हेलो एवरीवन, वेलकम टू किम्स कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस। मैं हूं दीक्षा वैश और आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 11 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 का मिसलेनियस एक्सरसाइज थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। मुझे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन प्रोवाइड किया है, द वैल्यू ऑफ साइन एन प्लस वन ए साइन एन प्लस टू ए कॉस एन प्लस वन ए कॉस एन प्लस टू ए। तो एक्चुअली यहाँ पर जो वैल्यूज मुझे प्रोवाइड की गई है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, देख लीजिए आप लोगों को। तो ये एक्चुअली ये एंगल है साइन एन प्लस वन ए साइन एन प्लस टू ए कॉस एन प्लस वन ए कॉस एन प्लस टू ई। तो ये हमारे एक्चुअल एंगल्स हैं। चलिए तो जरा देखिए इसको क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं, कॉस ऑफ एन प्लस वन ए इंटू कॉस ऑफ एन प्लस टू ए। ये हो गया फर्स्ट, अभी एक और बाकी है। अब प्लस साइन एन प्लस वन इंटू ए और साइन एन प्लस टू इंटू ए। अब जरा देख लीजिए क्या आपको ये किसी आपके फॉर्मूले की तरह लग रहा है, मुझे तो लग रहा है। जरा याद कीजिए कौन सा फॉर्मूला है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी विच इज इक्वलेंट टू, क्या फॉर्मूला है इसका, इट इज नथिंग बट एक्सपांशन ऑफ, किसका एक्सपांशन है ये, कॉस ऑफ ए माइनस बी, राइट। चलिए तो इसको भी मैं क्या इस तरीके से लिख सकता हूं, तो अगर मुझे इस तरीके से लिखना होगा तो क्या लिखना होगा, क्या स्टेप आएगा मेरा, तो कॉस ऑफ, हाँ अब जरूरी है कि मैं ए किसे अज्यूम करूं और बी किसे अज्यूम करूं। तो मैं यहां पे कंसिडर कर लेता हूं पहला एंगल ए बिकॉज इट इज द ग्रेटर एंगल, तो ग्रेटर एंगल को मैं एक अज्यूम कर लेता हूं, तो एन प्लस टू ए, तो यहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा एन प्लस टू ए एन प्लस टू ए माइनस बी एंगल क्या है, तो बी एंगल बचता है मेरा एन प्लस वन ए एन प्लस वन ए। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सो इट इज इक्वलेंट टू कॉस ऑफ, ये एन को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो इट इज ए एन प्लस ट्वाइस ए, उसी के साथ माइनस भी इंट्रोड्यूस होगा और इधर से ए भी आएगा, सो माइनस ए इंटू एन दैट इज माइनस ए एन, माइनस इंटू प्लस बिकम माइनस ए इंटू वन ए। जरा देख लीजिए क्या हो जाएगा, इट इज नथिंग बट कॉस ऑफ ए एन, सॉरी ए एन प्लस ए एन माइनस ए एन गेट कैंसल ट्वाइस ए माइनस ए इज ए, सो इट इज नथिंग बट कॉस ए। जरा देख लीजिए ऑप्शन में मुझे कॉस ए कहां दिख रहा है, ऑप्शन बी, सो दिस इज माय करेक्ट अल्टरनेटिव। ओके देख लीजिए, तो टू मार्क का एमसीक्यू है, चलिए देखिए ये हो गया सॉल्व, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो ये आपका सेकंड एमसीक्यू, इफ टैन ऑफ ए माइनस टैन बी इज इक्वल टू, सॉरी टैन ऑफ ए माइनस टैन बी इज इक्वल टू एक्स एंड cot p माइनस cot a इज इक्वल टू y, देन हमको यहां पे ढूंढने को बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस, तो जो पहले गिवन है वो मैंने लिख लिया है tan a माइनस tan b इज इक्वल टू x। एक चीज हमको और प्रोवाइड की गई है वो भी हम ले लेते हैं यहां पे, तो cot b माइनस cot a। अब जरा सोचिए cot b माइनस cot a को मैं और कैसे लिख सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं कुछ इस तरीके से, वन अपॉन cot b, मतलब क्या हो जाएगा, वन अपॉन tan b, पॉसिबल है, सी दैट reciprocal। इसी तरह से मैं cot को लिख सकता हूं वन अपॉन tan a। अब इसी को क्यों लिखा है, क्योंकि हमको पूछा क्या है, cot के लिए पूछा है, अगर tan के लिए पूछा होता तो फिर इसको एज इट इज करते और इसको सॉल्व करते, ठीक है। चलिए तो यहां पर 1 अपॉन टेन बी माइनस वन अपॉन टेन ए इज इक्वल टू, ये तो y एज इट इज रहेगा, दिस y एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या मुझे मिलेगा, टेन ए इंटू वन दैट इज टेन ए
थोड़ा अच्छे से लिख लूं मैं, tan a माइनस 1 इंटू tan b अपॉन tan a इंटू tan b, तो tan a इंटू tan इज इक्वल टू y, ये एज इट इज रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो यहां पर मेरे पास एक और वैल्यू है, कौन सा वैल्यू है, tan a माइनस tan b का, देख लीजिए tan a माइनस tan b कितना है x, तो मैं और कैसे लिख सकता हूं, इसको मॉडिफाइड कर दूंगा मैं कुछ इस तरह से। तो न्यूमरेटर का वैल्यू गिवन है x, डिनोमिनेटर में आ जाएगा tan a माइनस tan b, तो मैं एक काम करता हूं, ये y यहां डिवाइड है, इधर जाके हो जाएगा, सॉरी यहां y जो है ये न्यूमरेटर में मतलब मल्टीप्लाई में, यहां आके हो जाएगा वो डिवाइड, और ये टर्म tan a into tan b यहां डिवाइड में, तो इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, सो tan a into tan b। तो आप बोलेंगे ये क्या निकाला है, tan a by tan a tan b तो हमको नहीं चाहिए, हमको तो कुछ और पूछा है, लेकिन ये वैल्यू हमको जरूरी है। चलिए अब जरा याद कीजिए cot of a minus b का फॉर्मूला, जैसे tan a minus b हमारे पास है तो उसी तरह से cot a minus b भी हमारे पास है, अगर नहीं याद आता है तो आपके पास रेसिप्रोकल भी आप ऐसे भी लिख सकते हो, वन अपॉन tan ऑफ a माइनस b, मुझे तो पता है कि यहाँ क्या करना है, लेकिन अगर आपको cot का फॉर्मूला याद नहीं आता है तो मैं पहले आपको tan के फॉर्मूले से इसको बता देता हूँ, tan ऑफ a माइनस b इज इक्वल्स टू, अब पॉसिबल है अब हम कर सकते हैं, सो वन अपॉन क्या आ जाएगा, वन अपॉन tan ऑफ a माइनस b माइनस tan b अपॉन वन प्लस tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b। चलिए नेक्स्ट प्रोसीजर, इसके आगे क्या होगा, इसके आगे होगा कुछ इस तरीके से। अब देख लीजिए ये डिनोमिनेटर है और a अपॉन b अपॉन c अपॉन d हमेशा क्या होता है, a अपॉन b एज इट इज इंटू c अपॉन इंटू d अपॉन c, उल्टा हो जाएगा, मतलब ये जाएगा न्यूमरेटर में और ये आएगा डिनोमिनेटर में, तो मैं लिख सकता हूं कुछ इस तरीके से, तो मेरा टर्म हो जाएगा वन प्लस टैन ए इंटू टैन बी अपॉन टैन ए माइनस टैन बी, टैन ए माइनस टैन, बस हो गया। अब ये सारी वैल्यूज आपके पास अवेलेबल है, जरा देख लीजिए क्या सारी वैल्यूज आपके पास अवेलेबल है, वन का वैल्यू तो वन ही रहने वाला है वो एज इट इज, tan a इंटू tan b का वैल्यू अभी अभी आपने निकला है कितना, x अपॉन y, x अपॉन y, और tan a माइनस tan b का वैल्यू आपको गिवन है वो है हमारे पास x, रख दीजिए बस कैलकुलेट कर लीजिए इसको, तो कैलकुलेट करने के बाद क्या मिल जाएगा मुझे, तो y इंटू वन y प्लस x अपॉन y, और यहां है, यहां है x इज इक्वल्स टू, तो y प्लस x अपॉन y इंटू ये हो जाएगा वन अपॉन x इज इक्वल्स टू, अब यहां पे मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, y प्लस x अपॉन y इंटू x इज इक्वल्स टू, तो y प्लस x अपॉन, तो वाई एक्स को मैं एक्स वाई लिख सकता हूं, और अब इसको सेपरेट कर देते हैं, एक्चुअली ये सेम टर्म हो गया, तो मैंने यहां पे सिर्फ एक्स वाई किया है और नहीं भी किया तो भी चलेगा, तो एक काम करते हैं यहीं पर मैं सेपरेशन भी परफॉर्म कर लेता हूं, सो वाई अपॉन वाई एक्स प्लस एक्स अपॉन वाई एक्स, अब जरा देख लीजिए यहां क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, वाई वाई गेट कैंसिल, एक्स एक्स गेट कैंसिल, सो व्हाट विल लेफ्ट, सो वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई, देख लीजिए क्या ये ऑप्शन हमारे पास है, वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई, लेट्स चेक दैट, जी हाँ मेरे पास ऑप्शन है वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई, ऑप्शन नंबर सी, एंड दैट इज माय आंसर। ठीक है चलिए, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर टू, और दो मार्क के एमसीक्यू है तो इतना तो करना पड़ेगा। ठीक है चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो यहां पे थर्ड क्वेश्चन मुझे प्रोवाइड किया है, साइन थीटा इज इक्वल टू एन साइन ऑफ थीटा प्लस ट्वाइस अल्फा, देन फाइंड टैन ऑफ थीटा प्लस अल्फा। तो ये एंगल मुझे यहां पे ढूंढना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन जरा थोड़ा अलग दिया है मुझे, और सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शंस भी चेक करना है। ऑप्शन मुझे 1 माइनस एन 1 प्लस एन 1 प्लस एन 1 माइनस एन इन फॉर्म में देखिए। देखिए अगर ये तीन ऑप्शन कुछ ऐसे है ना, कंफर्म मेरा आंसर इनमें से कोई एक आने वाला है। अब ये तो कंफर्म दिख गया है कि tan alpha तीनों जगह पे, ये तो कंफर्म होगा। अब सिर्फ चेंजेस क्या है, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में सिर्फ साइन का चेंज है। और अब देख लीजिए, अगर मुझे ये लाना है तो ये लाने के लिए मुझे पास क्या ऑप्शन है, तो मुझे 1 upon n या n upon 1 या n, इसको इंडिविजुअली लेना पड़ेगा। चलिए यहां पर मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू n साइन ऑफ थीटा प्लस टू अल्फा। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, ये जो n है ये यहां मल्टीप्लाई है, इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, 1 upon n इज इक्वल टू ये साइन थीटा यहां मल्टीप्लाई, इधर जाके हो जाएगा डिवाइड। सो साइन ऑफ साइन थीटा प्लस टू अल्फा अपॉन साइन थीटा। देखिए मुझे 1 upon n तो मिल चुका है एक जगह पे। अब आगे का प्रोसीजर, अब 10th स्टैंडर्ड में आप एक प्रॉपर्टी पढ़ चुके हो, कंपोनेंट डिविडेंडो। एक्चुअली 10th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ा है आपने, ये पढ़ा है आपने 9th स्टैंडर्ड में। तो वो प्रॉपर्टी यहां पे अप्लाई करना है। चलिए तो क्या करेंगे हम लोग, प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। सो प्रॉपर्टी क्या बोलता है, सो प्रॉपर्टी ये है कि आपको न्यूमरेटर में एक बार करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एडिशन, और डिनोमिनेटर में करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सब्ट्रैक्शन। मतलब कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो अब मैं एक काम कर रहा हूं, सिर्फ टर्म को स्वाइप कर ले रहा हूं, मतलब ये टर्म लिख रहा हूं मैं LHS में, ये टर्म लिख रहा हूं RHS में। तो साइन ऑफ थीटा प्लस टू अल्फा, साइन ऑफ थीटा प्लस टू अल्फा प्लस साइन थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा प्लस टू अल्फा माइनस साइन थीटा। That, जो आपको बोला था कंपोनेंडो डिविडेंडो, सो दिस इज कॉल्ड एज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो जो चीज आपने LHS में अप्लाई किया है वो RHS में भी करना पड़ेगा, इसके साथ भी करना पड़ेगा। मतलब ये हो जाएगा 1 plus n upon 1 minus n। तो जरा देख लीजिए, ये टर्म मुझे चाहिए था, ये तो मिल चुका है। हाँ, प्रॉपर आंसर, एग्जैक्ट फाइनल आंसर मेरा क्या होगा ये अभी चेक करना बाकी है। तो इतना तो मुझे दिख रहा है 1 plus n upon 1 minus n। तो ऐसा कहां पर है, तो ऐसा एक ही जगह पे है ऑप्शन डी में, और यही मेरा प्रोबेबल ऑप्शन है। ठीक है, हो गया। हाँ, लेकिन अब आगे तो सॉल्व करना है ना भाई। देखिए ये तो मैंने आपको ट्रिक बता दिया, 1 plus n 1 upon n मिल गया। तो ये कहां पर है, ये एक ही जगह पे है, तो डी इज माय करेक्ट आंसर। लेकिन हमको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर वाइज आगे बढ़ना पड़ेगा। तो प्रोसीजर वाइज आगे आपको मैं बता देता हूं कि क्या करना है। चलिए अब यहां पे आपके पास में फॉर्मूला है साइन ए प्लस साइन बी, तो अप्लाई कीजिए। क्या आपको एक्चुअली साइन ए प्लस साइन बी नहीं, हमने देखा है साइन सी प्लस साइन डी। चलिए तो अप्लाई करते हैं, कुछ इस तरह से हो जाएगा 2 sin of थीटा प्लस टू अल्फा, थीटा प्लस टू अल्फा प्लस थीटा अपॉन टू इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस टू अल्फा माइनस थीटा अपॉन टू अपॉन, सेम चीज नीचे भी होगी, लेकिन यहां पे साइन ए माइनस साइन सॉरी साइन सी माइनस साइन डी नॉट ए। तो यहां पे आ जाएगा मेरा टू कॉस सेम एंगल थीटा प्लस टू अल्फा प्लस थीटा अपॉन टू इंटू, अभी यहां पे हो जाएगा साइन थीटा प्लस टू अल्फा माइनस थीटा अपॉन टू इज इक्वल्स टू 1 plus n। इसमें कुछ अप्लाई नहीं किया, इनके लिए कोई फॉर्मूला नहीं, ये एज इज रहने वाला है 1 plus n upon 1 minus n, दैट्स इट। चलिए आगे, अब ये तो कंफर्म है कि ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कर लीजिए। यहां पर क्या होगा, साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा 2 थीटा
टू थीटा प्लस टू अल्फा, तो यहां से टू कॉमन निकल सकता है, तो मैं पहले निकाल लेता हूं और अंदर लिख लेता हूं थीटा प्लस अल्फा, यहां पे हम लिख लेंगे थीटा प्लस अल्फा अपॉन टू इनटू कॉस ऑफ, यहां तो सीधा सीधा है पॉजिटिव थीटा नेगेटिव थीटा गेट कैंसल, यहां पर भी पॉजिटिव थीटा नेगेटिव थीटा गेट कैंसल, तो यहां बचेगा ऊपर बचेगा टू अल्फा अपॉन टू, टू अल्फा अपॉन टू, और नीचे हो जाएगा कॉस ऑफ सेम यही एंगल आने वाला है ना, देख लीजिए तो टू कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा अपॉन टू, और यहां हो जाएगा साइन ऑफ टू अल्फा अपॉन टू। चलिए अब आगे, यहां पे टू 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 सारे टू टू कैंसिल, सभी टू टू कैंसिल हो गए भाई, तो अब क्या बचेगा, तो अब आ गया मेरा कुछ इस तरीके से। अच्छा ये यहां पर इधर लिखना पड़ेगा वन प्लस एन वन माइनस एन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा मेरा इज इक्वल्स टू, सॉरी इज इक्वल टू नहीं देयर फॉर, क्योंकि एल एच एस आर एच एस दोनों भी है। अब यहां पे जरा देख लीजिए यहां पे ये क्या टर्म होने वाला है, यहां पे टर्म बन रहा है मेरा, क्या कुछ कैंसिल होता है, यहां पे मेरा टर्म बन रहा है, हाँ देख लीजिए, तो ये हो गया मेरा टू, सॉरी टू नहीं टू कहां आ गया अभी, तो ये हो गया मेरा साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस अल्फा अपॉन, यहां पे हो गया कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा साइन अल्फा इज इक्वल्स टू वन प्लस एन अपॉन वन माइनस एन। अब जरा देख लीजिए क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस अल्फा अपॉन कॉस थीटा प्लस अल्फा, तो ये हो जाएगा टैन थीटा प्लस अल्फा कॉस अपॉन साइन अल्फा, ये हो जाएगा कॉट अल्फा वन प्लस एन अपॉन वन माइनस एन। हमको ढूंढना क्या है जरा देख लीजिए, यहां तक तो हम पहुंच चुके हैं, अब ढूंढना क्या है, हमको ढूंढना है टैन ऑफ थीटा प्लस अल्फा, हमको ढूंढना है टैन ऑफ थीटा प्लस अल्फा। चलिए टैन ऑफ थीटा प्लस अल्फा ये ढूंढना है, ओके कंफ्यूज मत होइए, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। सो देयरफॉर टैन ऑफ थीटा प्लस अल्फा, और घबराना भी नहीं है क्योंकि आपको यहां कॉट दिख रहा होगा और ऑप्शन में तो हमको सारे के सारे टैन है, तो अब यहां पर ये कॉट अल्फा इधर मल्टीप्लाई है, इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो ये लिखेंगे हम वन अपॉन कॉट अल्फा, और वन अपॉन कॉट अल्फा मतलब क्या भाई, वन अपॉन कॉट यहां पे एन चाहिए, वन अपॉन कॉट का मतलब क्या होता है, टैन ही तो होता है ना, तो ये हो जाएगा वन प्लस एन अपॉन वन माइनस एन वन अपॉन कॉट दैट इज टैन ऑफ अल्फा। देख लीजिए मैं तो पहले ही बोल चुका था कि यही आंसर है हमारा, ओके चलिए तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, वन प्लस एन अपॉन वन माइनस एन इंटू टैन अल्फा, सो दैट इज द आंसर। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। तो क्वेश्चन नंबर फोर यहां पर हमको गिवन है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू, दो मार्क के लिए बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको यहां पर क्या करना है बस आपको ये समझ में आना चाहिए। अब जरा देखिए ऑप्शंस, कुछ स्टूडेंट मुझे बोलते हैं कि ये कैसे पता चलेगा कि हमको कौन से मेथड से जाना है, यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाना है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पे कॉस थीटा है, और कॉस थीटा के लिए मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ, देख लीजिए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, क्योंकि कॉस टू थीटा का ये फॉर्मूला है, तो कॉस थीटा के लिए मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ, कौन सा फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा बाय टू माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बाय टू, ये फॉर्मूला भी है। या फिर और कॉस थीटा कहां से आएगा, कॉस थीटा इस तरीके से भी आ सकता है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा। अब यहां पे सवाल आता है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, या फिर इसके अलावा भी बहुत ऑप्शंस हैं हमारे पास कि हम यहां क्या यूज करें। तो स्टूडेंट पूछते हैं ये कैसे समझाएंगे कि एग्जैक्टली कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो अब जरा देख लीजिए अगर मैं ये फॉर्मूला लगाता हूं, क्या इसमें मुझे पाई बाय टू या पाई बाय फोर दिख रहा है, नहीं, लेकिन मेरे आंसर में मुझे क्या रिक्वायर्ड है जरा देख लीजिए, पाई बाय फोर मतलब पाई तो चाहिए,
पाई तो रिक्वायर्ड है, क्या इस फॉर्मूले पे पाई वैल्यू आया है? नहीं, तो इसका मतलब मुझे इस फॉर्मूले के साथ जाना चाहिए। चलिए तो बढ़ते हैं। तो वैल्यू ऑफ कॉस थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा। चलिए तो कॉस थीटा कैन बी रिटन एज साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा। देख लीजिए है, ये फॉर्मूला है हमारे पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लगाना है मुझे डबल एंगल फॉर्मूला, तो अब जरा देख लीजिए साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है मेरे पास। अब यहां पे तो एंगल है भाई पाई बाय टू माइनस थीटा, तो इसका आधा कैसा होगा? तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इसको टू से डिवाइड कर दीजिए, हो जाएगा आधा। चलिए तो करते हैं स्टार्ट। यहां पर क्या हो जाएगा, टू साइन ऑफ, अब एंगल ध्यान से, पाई बाय टू माइनस थीटा अपॉन टू, ये करना था ना, आधा ही करना है ना हमको इसको, इंटू कॉस ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा अपॉन टू डिवाइडेड बाय। अब जरा याद कीजिए वन प्लस कॉस थीटा कैसे लिखा जा सकता है, वन प्लस कॉस थीटा, वन प्लस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला है आपके पास, आप बहुत बार यूज कर चुके हो, ठीक है? तो वही फॉर्मूला मैं यहां लगा लेता हूं। तो यहां पे मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर पाई बाय टू माइनस थीटा अपॉन टू, बस हो गया। ये फॉर्मूला है आपके पास, वन प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू वन प्लस कॉस थीटा, क्या फॉर्मूला है भाई, टू कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा बाय टू, ये फॉर्मूला है। तो यहां पे एंगल था पाई बाय टू माइनस थीटा, तो हमने अप्लाई कर दिया पाई बाय टू माइनस थीटा अपॉन टू, दैट्स इट, हो गया। बस इतना ही करना था, देखिए सिंपल। बोलोगे सिंपल, अभी तो आंसर आया नहीं, तो आ जाएगा भाई। अब जरा देख लीजिए कि टू साइन ए इंटू कॉस, अच्छा पहले तो एक काम करना पड़ेगा, पहले मुझे इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना पड़ेगा, ओके? अच्छा, और सॉल्व करते करते मुझे दिख रहा है कि ये टू और ये टू कैंसिल हो जाएगा, उसके अलावा एक चीज और भी कैंसिल हो जाएगी, क्या कैंसिल होने वाला है जरा देख लीजिए। यहाँ पे कॉस स्क्वायर पाई बाय टू माइनस थीटा अपॉन टू है, यहाँ पे कॉस पाई बाय टू माइनस थीटा अपॉन टू है, मतलब यहाँ पे दो टर्म्स है, तो एक और एक कैंसिल हो गया, बचा क्या, तो यहां बचेगा साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा, एंगल को थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है, बचेगा पाई बाय टू माइनस थीटा, और ये टू टू अपॉन वन मतलब वन अपॉन टू से मल्टीप्लाई, सेम नीचे भी होगा कॉस ऑफ, सेम एंगल लिखना है मुझे, पाई बाय टू माइनस थीटा वन बाय टू से मल्टीप्लाई। ये वन बाय टू कहां से आया, ये जो आपका टू डिवाइड में पड़ा है, ऊपर जाके भी तो सेम रहेगा ना वो। चलिए आगे, आप कुछ लोग बोलेंगे सर आपने तो बोला था कि c अपॉन डी डी अपॉन सी हो जाता है, तो भाई 2 है दैट इज 2 अपॉन 1 है, तो उल्टा ओके हो जाएगा 1 अपॉन 2, ठीक है, तो मैंने सही लिखा है 1 अपॉन 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब साइन ऑफ, अच्छा एक काम कीजिए, एंगल सेम है पाई बाय टू माइनस थीटा 1 बाय टू, पाई बाय टू माइनस थीटा 1 बाय टू, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, तो ये होता है टैन। चलिए तो मैंने रेशियो भी कन्वर्ट कर लिया, अब मल्टीप्लीकेशन भी कर लेते हैं। चलिए तो मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, एंगल तो सेम है ना, एक ही बार करना है, अब पाई बाय टू मल्टीप्लाइड बाय वन बाय टू, तो ये हो जाएगा पाई बाय फोर माइनस थीटा इंटू वन बाय टू, दैट इज थीटा बाय टू, दैट्स इट। देख लीजिए कहां है टेन पाई बाय फोर माइनस थीटा बाय टू, टेन पाई बाय फोर माइनस थीटा बाय टू, हमें यहां थोड़ा कलाकारी किया है मैंने, तो इसको निकाल लेता हूं मैं, कि नहीं भाई ये निकालना है, ओके। क्या मिला था हमको वैल्यू, tan pi by 4 minus theta by 2, तो कहां पे ऑप्शन है, ऑप्शन सी, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ओके। चलिए आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, देखिए कितना छोटा सा प्रॉब्लम है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमको दिया है वैल्यू ऑफ cos a cos 60 माइनस a cos 60 प्लस a, मतलब यहां पे मुझे दिया है cos ऑफ a माइनस b, एक्चुअली यहां पे b माइनस a, ऐसा भी हम इसको रीड कर सकते हैं, और cos ऑफ a प्लस b, तो हमारा जो फॉर्मूला था वो यहां पे हमको अप्लाई करना है। चलिए तो फटाफट से अप्लाई कर रहे हैं फॉर्मूला,
तो यहां पर मैं cos a को रखता हूं एज इट इज फर्स्ट एंगल, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल एज इट इज रख रहा हूं, और इसका हम एक्सपांड कर लेते हैं। तो जरा याद कीजिए इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा मेरा, तो इसका एक्सपेंशन हो जाएगा cos ऑफ 60, cos 60 डिग्री इंटू cos a, और माइनस है तो यह आ जाएगा प्लस साइन 60 साइन 60 इंटू साइन ए, साइन 60 डिग्री इंटू साइन ए। ये हो गया मेरा फर्स्ट ब्रैकेट साइन ए, ये हो गया मेरा फर्स्ट ब्रैकेट। सेकेंड ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट में सेम एज इट इज आएगा, सिर्फ माइनस की जगह प्लस की जगह या माइनस, क्योंकि ये प्लस है तो प्लस का माइनस आ जाएगा। सो यहां पे मेरा ब्रैकेट हो जाएगा कॉस ऑफ 60 डिग्री इंटू कॉस ए माइनस साइन 60 इंटू साइन ए। चलिए अब जरा देख लीजिए, ये ब्रैकेट्स कुछ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसा लग रहा है, ऑफ कोर्स लग रहा है और वही है। तो a माइनस बी, ए प्लस बी अप्लाई करने से पहले मैं यहां पे अप्लाई कर देता हूं इनका वैल्यूज। चलिए सो cos a तो एज इट इज रहेगा, cos a एज इट इज, ये तो ब्रैकेट के बाहर है तो इसको हम एज इट इज रखेंगे। लेकिन अंदर की वैल्यू cos 60 का वैल्यू कितना है, 1/2, और 1/2 इंटू cos a। साइन 60 का वैल्यू कितना है, √3/2, √3/2 इंटू साइन ए, और ये था प्लस में। उसके बाद सेम ब्रैकेट फिर से देखिए, पूरी वैल्यूज एज इट इज आना है तो एज इट इज आना है, तो मैं यहीं से देख लेता हूं। तो 1/2 cos a, 1/2 cos a, साइन सिर्फ चेंज होगा, माइनस √3/2 इंटू साइन ए। तो जो हमने बोला था वो अप्लाई कर देते हैं, क्या a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा cos a एज इट इज रहेगा, cos a एज इट इज। नेक्स्ट टर्म, तो cos 1/2 cos a का मतलब cos अपॉन 2 हो गया, तो ये भी हो गया, सो ये हो जाएगा मेरा cos स्क्वायर a अपॉन 4 माइनस प्लस इंटू माइनस, तो ये जो हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो पहला टर्म a, तो cos a का स्क्वायर हो गया cos स्क्वायर 8, 2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर 4, और sin a का स्क्वायर हो जाएगा sin स्क्वायर a। चलिए यहां तक तो प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल सा है। अब यहां से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूं, तो जरा देख लीजिए, यहां से मेरा कॉमन निकल जाएगा 1/4, सो 1/4 कॉमन निकल गया, बाहर आ गया, और बचा है cos a इंटू इन ब्रैकेट cos स्क्वायर a माइनस 3 sin स्क्वायर a। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं यहां पर sin स्क्वायर a को कुछ लिख सकता हूं इस तरीके से, देख लीजिए sin स्क्वायर a को मैं लिख सकता हूं कुछ इस तरीके से, 1/4 एज इट इज, cos a as it is, cos square a b as it is, minus 3 into in bracket, sin square a can be written as 1 minus cos square a। उसके बाद equals to next step, तो ये मैं लिख सकता हूं cos a, या फिर 1/4 as it is रखते हैं, चलिए ठीक है, cos a into cos square a minus माइनस इंटू प्लस बिकम माइनस 3 इंटू 1 3, माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस 3 इंटू कॉस स्क्वायर है 3 कॉस स्क्वायर ए। जरा ये टर्म देख लीजिए क्या बन गया, नाउ दिस टर्म कैन बी रिटन एज 1/4 कॉस ए। अब इस कॉस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर ही देता हूं और साथ में ऐड भी कर लेते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, पहले ऐड कर लेते हैं, ठीक है। चलिए कॉस स्क्वायर ए प्लस 3 कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, 4 कॉस स्क्वायर ए माइनस माइनस 3 इंटू कॉस, दैट इज माइनस 3 कॉस, अब ये जो वैल्यू है इसको अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जो 1/4 बाहर है इसको अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, 1/4 कॉस ए ये वैल्यू है मेरा बाहर,
तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो बड़ा कोई, हाँ मैंने यहाँ पे एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन भी कर दिया और ये बाहर भी लिखा है, ये यहाँ पे नहीं चाहिए, ये नेक्स्ट स्टेप में आएगा। ओके, अब 1/4 इंटू कॉस ए इंटू 4 कॉस स्क्वायर ए, सो 1/4 इंटू कॉस ए इंटू 4 कॉस स्क्वायर ए। अब मैं यहां पे शॉर्टकट कर रहा हूं, देखिए कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर हो जाएगा कॉस क्यूब ए, तो ये हो गया कॉस क्यूब ए राइट इंटू 4, ये 4 एज इट इज। और अब जरा देख लीजिए, ये 4 और ये 4 हो जाएंगे कैंसिल, तो बचता क्या है, सिर्फ कॉस क्यूब ए। तो मैं ये सारी टर्म्स को निकाल देता हूं। अब आगे नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, माइनस 3 कॉस ए, माइनस 3 कॉस ए। नेक्स्ट, यहां पर अब आगे देखते हैं कि हमको प्रूफ क्या करना है, व्हाट वी नीड। ओके, तो हमको तो ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये स्टेप मुझे बैक लेना पड़ेगा, और यहां पे मैंने क्या किया था, कैंसलेशन किया था, तो ये एज इज रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा मेरा 1/4 इंटू 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। आप बोलोगे 1/4 और जो 4 कैंसल हो गया था क्यों लाया, ऑप्शन में हमको जो दिया है जरा उसको देख लीजिए, कॉस 3 ए लाना है मुझे। कॉस 3 ए का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज कॉस 3 ए, तो कॉस 3 ए होता है भाई, कॉस 3 ए होता है 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए, ये होता है, देख लीजिए। अगर मैं 4 कैंसिल कर दूंगा तो कॉस 3 ए नहीं बनेगा, इसलिए मुझे लाना पड़ा। तो ये टर्म मैंने यहां सेपरेट कर लिया, इज इक्वल टू क्या, 1/ नाउ दिस इज नथिंग बट कॉस 3 ए, लिख दीजिए कॉस 3 ए एंड दिस इज द ऑप्शन 1/4 कॉस 3 ए। तो जरा देख लीजिए कहां पर है हमारे पास, तो 1/4 कॉस 3 ए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर मैं 7 पहले ले रहा हूं, क्योंकि आज के इस सेशन में हम 6 को थोड़ा स्किप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, क्योंकि उसका जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा एलोंगेटेड है। ये हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो जरा याद कीजिए, मिसलेनियस एक्सरसाइज 3.5 में आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिया गया था, इन ट्राइंगल ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई शो दैट। तो सेम एक्सरसाइज 3 पॉइंट में ये क्वेश्चन नंबर था 4, जो हम इसके अर्लियर सेशन में कर चुके हैं। ठीक है, इसके पहले इसके पिछले सेशन में हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन इस तरह से था, देख लीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू, तो वो हमें प्रूव करना था, 2 साइन ऑफ ए इंटू साइन बी इंटू कॉस सी, ये हमने प्रूव किया है। ओके, तो बस ये आपको यहां ढूंढना है, देख लीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस, ये कौन सा सिंबल है भाई, इट इज नॉट अलेफ, अलेफ कुछ इस तरह से होता है, तो आई थिंक दिस इज अलेफ सिंबल गिवन, और एक्स, तो ये ना ही अलग दिख रहा है ना ही एक्स दिख रहा है। ठीक है, तो जो भी दिया है यहां पर, दिस इज द अलेफ सिंबल एंड दिस इज द एक्स, तो अल्फा बीटा के साथ जनरली गामा का कॉम्बिनेशन, गामा का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, सो आई थिंक इट इज अलेफ, सो यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अलेफ इज इक्वल्स टू, तो देख लीजिए 2 साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अलेफ कहाँ पर है, ऑप्शन सी में मुझे दिख रहा है, दैट्स इट, सो दिस इज द आंसर। ओके, और आपको इसका सोल्यूशन चाहिए होगा तो अर्लियर सेशन में हम ये क्वेश्चन ले चुके हैं, वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए।
और टेक्स्ट बुक में मैंने ये भी बता दिया था कि टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन जो है वो गलत दिया है, तो नए टेक्स्ट बुक अगर न्यू एडिशन का टेक्स्ट बुक है तो आपके पास में ये क्वेश्चन होगा, और ओल्ड एडिशन का टेक्स्ट बुक अगर आपके पास में है मतलब लास्ट ईयर का प्रिंट अगर चेंज हुआ होगा तो ऑब्वियसली उसमें करेक्शन दिया गया, और अगर नहीं है तो ये करेक्शन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ और ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। चलिए तो यहाँ पर हम इस सेशन को स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट सेशन में इसके आगे के क्वेश्चन हम लेंगे। ओके, थैंक यू।